मामूली विवाद के चलते दबंगों ने दलितों को लाठी डंडों से पीटा, महिलाओं से भी की अभद्रता। बाराबंकी जिले के कोठी थाना क्षेत्र के महरूपुर ग्राम में आपसी विवाद के चलते दबंगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर दलितों को लाठी डंडों से पीटा। दबंगई का आलम यह रहा कि महिलाओं को भी न बख्शते हुए उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उनके साथ बदसलूकी की गई। दबंगों द्वारा धारदार हथियार से किए गए हमले में कई लोग घायल हो गए। इसके बाद दबंग महिलाओं को जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। घटना के संबंध में पीड़ित मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उसके अपने खेत में पिपरमिंट की टंकी लगी है। वहीं खेत के पास सड़क पर एक किनारे ट्रॉली खड़ी थी, जिससे पिपरमिंट टंकी में भरी जा रही थी। इतने में शराब के नशे में धुत गांव के दबंग युवक आए और रास्ते में अपनी गाड़ी तिरछी करके रास्ता अवरुद्ध कर दिया और मेरे भाई के गाड़ी को रास्ते से हटा दिए जाने पर आक्रोशित होते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए काफी भला बुरा कहा। हालांकि मौके पर डायल 112 पहुंची थी, लेकिन उसके बाद जब उसका भाई नरेगा में काम करने गया था तो खुन्नस खाए दबंगों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे खेतों में लाठी डंडे से पीट दिया। पीड़ित ने दबंगों को सत्ताधारी दल के नेता के शह और संरक्षण प्राप्त होने की बात भी कही है। थाना कोठी में मामले के दर्ज होने के बाद घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। इस संबंध में कोठी थाना प्रभारी ने दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्यवाही किए जाने का पीड़ितों को आश्वासन दिया है। जिला संवाददाता आशीष वर्मा की रिपोर्ट। नाम क्या है और पूरा मामला क्या हुआ कल से लेकर आज तक आप लोगों के साथ? अरे सर जी, बात यह है कि हमारी जो है पेपरमिंट की टंकी रोड किनारे, मतलब हमारे अपने खेते में लाग है, हमारे खेते में रोड से अलग, तो वहाँ कल एक ट्राली खड़ी रहा है साइड में, पेपरमिंट भरी जा रहा है, तो पेपरमिंट शाम कराए तो यो रक्कू है और यो लबीस, रक्कू लबीस ये दोनों पी रहे हैं खूब दारू, दारू पी के आए रोड पर, जो जो जगह बची रहा है निकले के लिए वह रास्ता बंद कर दी गाड़ी का ब्याणा मार के। उसके बाद गरियावे लगी चमार भोसड़ी जो है बहुत बौराए गए हैं, सारे रोड पर टंकी लगाए हैं, बहुत पैसा वाले गए हैं, इनका साले का ब्याख परी चमार समार करके, मतलब गाली वाली दिन उधर से नहीं, दो तीन ठे लौटे मोहल्ला के निकले हमारे चाचा की लड़का मौसी की लड़का, तो वही अपन गाड़ी किनारे करे लाग तो वह गरी कि सर चमार मोर गाड़ी का है छोड़ है यू है वो है दुनियादारी, फिर वही लौंडे गाड़ी हटा के चले आए अपने घर का। वो गाड़ी हुआ लेके आवा और एक सुभाष भैया हैं, सुभाष भैया गुमटी के सामने फिर गरी आवे लाग, तो लौंडे जो है को मना करी उनसे बातें लावल हुए, बहसबाजी हुआ काफ़ी हो गए, बस यू मारे गुस्सा में हुआ गाड़ी पटक के नहीं चला गया घर का अपने। ओके बाद 100 नंबर डायल हुए, 100 नंबर रही हुआ देख सुन के वापस हुई गए। फिर आज सवेरे जो है नरेंद्र भैया जो हमसे चाचक लेके आए यू बड़ा है वहाँ नरेगा में यहाँ काम करे प्रधानों जी हुआ रहे, तो यू लबीस रक्कू और एक लौंडा का मतलब है अरे उसका बाप जगमोहन, ये तीनों के अचानक ही कमारे लाग फरुआ लाठी डंडा से नहीं नरेंद्र का मारिन, हमका सूचना मिली हम गए तो हम पूछे लागिन काहे भैया मारे हो तुम यार, कौन जो काल ब्याणा लगा दे हो, काल तमाम करी आए हो गाड़ी फोड़ डाले हो, उसके बाद फिर यार मतलब का मतलब है तुम बिल्कुल दबाई जा रही, तुम्हारे चमार भोसड़ी औकात कैसे हो गया हमारे आदमी गाड़ी हटा दिए, तुम गाड़ी फोड़ा रहे हो यू हुए हुए तुम्हारे मैया चोर देंगे वोट नहीं दे हो, यू रकुआ जगमोहन और लबिसवा ये किशोर जौन रहा है ये सब रहा है ना वहाँ पहुँच गए रहा है ग्रुप बनाए के नहीं संदीप अखिले वही है, सत्ता का संरक्षण तो नहीं है, अरे ये है नहीं कोठी वाले जो इनके परिवार के हैं का प्रमुख का नाम है रमेश वर्मा कहें नहीं ये और यू जो है किशोरवा किशोर ये बीजेपी के नहीं सब नहीं तो सब प्रेशर के हमारा सरकार कर का लिया हो तुम चमारो तुमका अब तो देखा हम। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार।